हाय, वेलकम बैक दोस्तों. दिस इज मिलोशी सर. दोस्तों, हमेशा की तरह अभी हम लोग एक बढ़िया टॉपिक में आए हैं जहां पे आज हम सबको पढ़ना है द कंसेप्ट ऑफ यस द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स. लेकिन आप सभी से सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आपको मल्टीपल ऑफ एंगल्स पता है, बिकॉज दोस्तों जब मल्टीपल ऑफ एंगल्स पता होगा तो ही सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स में आने के लिए ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा कंसेप्ट समझ में आएगा. तो थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड अगेन मैं कहूंगा ऑफिशियली कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑफ एंगल्स का कंसेप्ट नहीं है या थोड़ा सा रिवीजन करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताइए चैट में, मैं आपको उसके भी वीडियोस अवेलेबल करके दे दूंगा. सही बात है, अभी मैं थोड़ा फ्री हूँ तो मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियो आपको अवेलेबल करके दे सकता हूँ, बिकॉज बाकी जगह पे थोड़ा सा काम कम है. श्योर, डिग्री के बैचेस कम है, बच्चों के एग्जाम चालू है, तो जोशी सर फ्री है, क्लास की मैडम फ्री है, अभी तो हम लोग ऑडिट भी करके आगे चलेंगे. तो चलिए दोस्तों, जस्ट मैंने बता दिया, इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड प्लीज पिंग मी या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आप याद से देख लीजिए. थोड़ा सा मैं यहाँ पे दोनों कंसेप्ट आज डिस्कस करना चाहता हूँ. वाई इंटरेस्टेड टू गो फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल. तो दोस्तों, जब हम लोग लिखते हैं मल्टीपल एंगल्स, नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड मल्टीपल ऑफ एंगल्स. दोस्तों, आज का टॉपिक तो है सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स, लेकिन मैं देखिए मैं सीधी बात सब मल्टीपल पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सबसे पहले मल्टीपल पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ. अभी एंगल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड एंगल, देखिए कितना फास्ट हम लोग कंसेप्ट देख सकते हैं, इजीली कंसेप्ट देख सकते हैं. सर, जब हम लोग एंगल की बात करते हैं, है कि नहीं, एंगल्स कैसे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, ए बी थीटा समथिंग इन दिस एस्पेक्ट. सही बात है, तो एंगल्स को क्या लिखते हैं, डिफरेंट लेटर्स दे सकते हैं या कभी कोई हम लोग सिंबॉल के साथ जा सकते हैं. इज दैट क्लियर? ये तो हो गया एंगल. जब हमने कहा मल्टीपल ऑफ एंगल, मल्टीपल एंगल, तो उसको मल्टीपल ऑफ एंगल में क्या नया पार्ट हो सकता है जो आज हमें पढ़ने की बात होगी, सोचिए और बताइए मुझे. मल्टीपल, देखिए मैं कुछ बातें सुनाता हूँ, थोड़ा सा रिविजन करते हैं, फिर आगे जाने में ज्यादा मजा आएगा. दोस्तों, जब मैं कहता हूं 2, 4, 6, 8, 10, क्या कहा सर ने, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है? ओ माय गॉड, सो यू आर टॉकिंग इन दिस फैशन कि ऑल ऑफ दीज आर द, यस सही है, ऑल ऑफ दीज आर द मल्टीपल ऑफ टू. जब हम लोग कहेंगे 3, 6, 9, 12, ऑल ऑफ दीज आर द मल्टीपल ऑफ 3, 5, 10, कम ऑन दोस्तों, 10, 15, 20, 25, 30, क्या है ये दोस्तों, ये है, कम ऑन दोस्तों, क्या है ये है मल्टीपल्स ऑफ 5. तो जब सिंपल लैंग्वेज में कोई भी नंबर को अगर हम लोग एक रिकरिंग नंबर, रेसिप्रोकेटिंग नंबर उसके साथ दे देते हैं तो दोस्तों वो मल्टीपल बन जाता है. एंड मल्टीपल में हमेशा हम लोग वर्ड यूज करते हैं, इट विल बी रिटन एज 2a, 2b, 2θ, 3θ, समथिंग इन दिस एस्पेक्ट. तो ये हो गया अपना मल्टीपल ऑफ एंगल्स. लेकिन दोस्तों, आज जो हमें पढ़ना है उसका नाम है सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स. अभी सब वर्ड आ गया, सब वर्ड आ गया, तो भाई क्या बात करेंगे उसमें, सोचिए. मल्टीपल मतलब बढ़ते जाता है. सब है, हमने पढ़ा था सब्ट्रैक्शन, जब हम लोग कोई चीज अपनी लाइफ से कम करते हैं, है कि नहीं, तो हम लोग उसे कहते हैं सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसे निकाल दिया, उसे कम किया, उसे रिड्यूस द लेजीनेस, रिड्यूस द टाइम ऑफ स्लीप. 10 बजे सोते हैं, सामने वाले को भी सोने देंगे, हम भी 10 बजे सोएंगे, 5 बजे उठेंगे, 5 से 6 बढ़िया ध्यान करेंगे, तो भाई साहब पूरा फोकस होगा दिन का. एंड 6, 6:30 बजे मस्त फ्रेश होके लेक्चर को बैठ जाएंगे और ज्यादा मजा आएगा. तो अभी हमने ये करते टाइम क्या किया, हमने कुछ सब किया, सेक्रीफाई किया, क्या किया, कुछ रिड्यूस किया, सबने नींद कम की, हमने जितने कम नींद करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा दोस्तों. मतलब क्या, सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई एंगल है अपने पास, आज हम लोग बात करना चाहते हैं सब मल्टीपल की, है कि नहीं, सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स. तो दोस्तों, जो शुरू में हमने एंगल्स देखे थे, क्या एंगल्स देखे थे, ए देखा था, बी देखा था, थीटा देखा था, सही है.
आज एंगल्स को हमें कम करते जाना है, मतलब अगर हम लोग लिखते हैं ए बी थीटा तो यहाँ पे लिखते हैं ए बी थीटा, तो कल यहाँ पे आएगा ए ए, तो ए को लिखेंगे ए बाय टू, ए को लिखेंगे ए बाय थ्री, बी ए बाय फोर, बी बाय टू, बी बाय थ्री, बी बाय फोर, थीटा बाय टू, थीटा बाय थ्री, थीटा बाय फोर। ओ माय गॉड, कुछ रिंग समझ में आ रहा है? यस सर, सिंपल लैंग्वेज में, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज दोस्तों हम लोग ये बात करेंगे कि जब हम लोग किसी को बढ़ाते हैं तो कहते हैं मल्टीपल, जब किसी को घटाते हैं, घटा तो एक्चुअल सब्ट्रैक्शन नहीं, मल्टीपल में क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया। तो वैसे दुनिया में देखिए सिंपल बात होती है, हमेशा ना कॉइन को टॉस करेंगे तो एक तो हेड मिलेगा, एक तो टेल मिलेगा। मतलब जब जिंदगी में एक टॉपिक में मल्टीप्लिकेशन होगी तो आप मुझे बताइए दूसरे टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तो दूसरे टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन का कंसेप्ट, इतना सिंपल है ये टॉपिक। तो दोस्तों टू कंक्लूड, स्टार्ट विद द सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स, हम लोग कह सकते हैं अगर अपने पास जो भी एंगल दिया है, जैसे हम लोग ए बी सी एक्स वाई या थीटा टी, जो भी यूज करना चाहते हैं, दिस आर द वेरिएबल्स, दिस आर द वेरिएबल्स। लेकिन अभी वो सारे वेरिएबल्स को अगर हम लोग डिनोमिनेटर देना चाहेंगे, क्या देना चाहेंगे दोस्तों, डिनोमिनेटर देना चाहेंगे, वहां पे हम लोग 1/2, 1/3, 1/4, थीटा बाय टू, थीटा बाय थ्री, थीटा बाय फोर, ऐसे कुछ अलग अलग नंबर्स लेके आएंगे। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसे कंसेप्ट को हम लोग कहेंगे सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स। बोलिए दोस्तों क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे हम लोग सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स। अभी आप सोचेंगे ये सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स का क्या चक्कर है सर, इसे कैसे एडजस्ट करने वाले? तो आइए दोस्तों थोड़ा सा बात करते हैं। अगेन कहा है गो टू द बेसिक, डोंट रन बिहाइंड द न्यूमेरिकल। तो कल दो तीन दिन से, दो तीन प्रीवियस सेशन से, वीडियो सेशन से मैंने आपको बेसिक पढ़ाए हैं। आज वापिस में बात करना चाहता हूँ, जिनको आता है उनको बहुत मजा आएगा, जिनको नहीं आ रहा है दे विल रियलाइज ओके ये बातें सब सर ने डिराइव करके दिखाई है, इसके न्यूमेरिकल किए है। एंड अगर मैं डायरेक्टली ये वीडियो में आया हूँ तो शायद मुझे थोड़ा सा पीछे जाके पहले वीडियोस देखने चाहिए, अगर मैंने अटेंड किए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग उसे वापिस एंड वापिस देख सकते हैं। मैंने हमेशा बोला आपको मैंने प्रिविलेज दिया है दोस्तों, तो उसे जितना टाइम हम लोग रिपीट करेंगे उतना नॉलेज बढ़ेगा। तो याद से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो हमेशा जोशी सर आपके साथ पॉकेट में आएंगे, आपके मोबाइल में होंगे, जब चाहिए हिट द बटन, द वीडियो विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, श्योर। तो आइए तो इसका कंसेप्ट पढ़ना है। अच्छा कंसेप्ट में क्या पढ़ेंगे, अब तक हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन ऑफ टू थीटा का, सही बात है? हाँ सर, क्या फॉर्मूला है साइन ऑफ टू थीटा का दोस्तों, किया है ना हम सबने? हाँ किया है। क्या है फॉर्मूला? इट इज अ टू साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या मिलता है दोस्तों हमें? सर हमें फॉर्मूला मिलता है टू साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, सही बात है? हमें कुछ रिड्यूस करना है, कहां से स्टार्ट करेंगे? साइन टू थीटा से स्टार्ट कर जाइए दोस्तों, सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स में सबसे पहला हम लोग फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे। लोग बताएंगे नया आ गया, लोग बताएंगे नया आ गया, कुछ नया है याद करो दोस्तों, दिमाग में रखो दोस्तों। हम सारे बच्चे मुस्कुराएंगे, कहेंगे नई कुछ चीज नहीं है सर, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है जैसे हमें देखना है। बोलिए क्या देखना है? साइन टू थीटा इज टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन टू थीटा को हाफ किया। साइन थीटा कैसे मिला बताइए मुझे? साइन थीटा हमें मिला देखिए ना सिंपल लैंग्वेज में, टू थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, कभी नहीं, पर टू थीटा डिवाइडेड बाय टू किया तो कैंसल होने के बाद हमें मिला थीटा। तो दोस्तों जो चीज अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड में की है, जो कंसेप्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया है, क्या वो सेम कंसेप्ट हम लोग राइट हैंड साइड में रिपीट नहीं कर सकते? लेकिन इसमें एक छोटी सी मिस्टेक होती है, वो जो सारे बच्चे बहुत टाइम करते हैं, तो मैं अंदर जाने से पहले, फॉर्मूला में जाने से पहले वो आपको बताना चाहूंगा। आप सभी से वो कंसेप्ट पे रूबरू होना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, चेक करना चाहेंगे भाई हमें कितना आता है, कितना आगे जा सकते हैं। बहुत टाइम बच्चे देखते हैं साइन टू थीटा बाय टू, बहुत टाइम हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स में राइट साइन टू थीटा बाय टू, दोस्तों
ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। यस डेफिनेटली वी विल से दिस इज रॉन्ग एंड साइन 2 थीटा बाय 2। ऐसे कभी भी कैंसर नहीं होगा। दिस इज ए वेरी रॉन्ग कंसेप्ट, दिस इज ए वेरी रॉन्ग कंसेप्ट। तो कभी भी sin 2 थीटा को होल डिवाइडेड बाय वगैरह आने वाला नहीं है। उसके जगह पे जो हम लिख सकते हैं वो है sin of 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। मतलब जब भी हमें अभी इसके आगे कुछ काम करना है, जो कुछ डिवीजन करना है, मल्टीप्लीकेशन पहले हमने किया था, डिवीजन अभी जो करना है वो क्या साइन के साथ किया था? नहीं सर, अकेले थीटा के साथ किया था। तो अभी भी जो मल्टीप्लीकेशन अकेले थीटा के साथ किया था दोस्तों, तो डिवीजन भी थीटा के साथ ही होगा। ये 2 थीटा को डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे। होप सो आप मुझे बता सकेंगे आगे क्या मिलेगा दोस्तों, आगे क्या मिलेगा दोस्तों। एंगल को डिवाइड बाय 2 किया है तो राइट हैंड साइड में भी एंगल को डिवाइड बाय 2 आएगा। ये कैंसिल होगा, बचेगा यहाँ से sin थीटा। हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाय 2 into cos थीटा बाय 2। श्योर? ये मैं क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज दोस्तों मैंने इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट देखे हैं। अभी आप हंसेंगे, आपको पता है मैं कैसे बात करता हूँ। इतना इंटेलिजेंस लेवल देखा है हमने कि बच्चे करते क्या है, बच्चे यहाँ पे आने के बाद बोलते हैं, अरे सर इतना नहीं आता है क्या आपको? देखो भाई ये θ/2 θ/2 θ²/4 हो गया। एक लेवल का बच्चा मिल जाता है। तो दूसरे लेवल के बच्चे में आते हैं, देखते हैं, वो कहते हैं, अरे सर ये सिंपल है, ये टू गया कैंसर, इट इज अ sin θ into cos θ/2। ऐसे सारे बच्चों को मेरा प्रणाम है, बिकॉज मैं इन्हें कहता हूँ दीज आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। क्यों कहते हैं इसे हम लोग पिलर्स या कॉलम्स ऑफ सक्सेस? बिकॉज जब तक इतने ऐसे सोचने वाले बच्चे हैं भाई, हम लोग चलते रहेंगे सालों साल लगातार जिंदगी भर। I completed last 22 years and आगे की भी और 30 years आराम से जाने की बात करते हैं। देखते हैं आप या आपके आगे के जनरेशन कैसे सोचते हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। श्योर? जस्ट इट वॉज जस्ट जोक, सॉरी फॉर दैट। बट वॉट इज द कंसेप्ट सर? फॉर सब वर्टिकल ऑफ एंगल्स वी आर गोइंग फॉर द टू। इज दैट क्लियर? इसका और एक फॉर्मूला था tan थीटा के टर्म में। एनीवन? What was the formula of sine 2 theta in terms of tan? It was a 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. तो दोस्तों sine theta का formula हमें मिलेगा 2 tan theta by 2 whole divided by 1 plus tan square theta by 2. और दोस्तों जो concept अभी हमने theta के लिए use की है, उससे में concept अभी हम लोग किसके लिए use करेंगे? हम लोग use करना चाहते हैं cos theta के साथ। मैं थोड़ा सा आपको हेल्पिंग हैंड देना चाहूंगा दोस्तों। सबसे पहले हमने पढ़ा था cos of 2 थीटा। क्या पढ़ा था दोस्तों? cos of 2 थीटा। तो होप सो आप सभी को पता है व्हाट इज द cos of 2 थीटा। वी नो द फॉर्मूला। द cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, इट वाज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सही बात है। हमें 2 थीटा को एंगल को हाफ किया तो 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 हमें क्या मिल गया? थीटा मिल गया। बिकॉज डिवाइडेड बाय क्या किया अभी हमने? करके दिखाते हैं। डिवाइड बाय क्या किया? 2 किया। तो दोस्तों और जगह पे डिवाइडेड बाय 2 जाएगा, ये 2 2 कैंसिल होगा, ठीक है? नहीं, हमें मिलेगा कॉस थीटा एंड आंसर विल बी कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। एंड यूजिंग द सेम लॉजिक कैन वी राइट सम अदर फॉर्मूलास? यस सर, ये सारे फॉर्मूलाज हमने किए थे, आज हमें जस्ट अपने पास उन्हें एडजस्ट करके लिख के निकालना है, जब जरूरत पड़ेगी तो यूज करना है। सही बात है। एंड टैन के टर्म में आएंगे, इट वाज 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाय 2। दोस्तों ये सारे हो गए कॉस थीटा के फॉर्मूलास। एंड लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, वी एंटर इनटू टैन 2 थीटा। सो कैन यू वन लेट मी नो व्हाट वाज व्हाट विल बी दैट टैन 2 थीटा? सो टैन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था
सिंपल लैंग्वेज में इट वॉज टू टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। सही बात है, 100% याद आ रहा है सारे बच्चों को द इम्पोर्टेंट थिंग्स। सर 2 थीटा है तो 2 टैन थीटा ओनली इन केस ऑफ टैन, डिनोमिनेटर में माइनस साइन आती है। सब डेरिवेशन हमने किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप में से किसने मिस किए हैं या आपको अगेन रिपीट करने तो मुझे बताइए चैट में, वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं सारे लिंक्स आपको आज के दिन में अवेलेबल करके दे सकता हूँ। इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू, शाम में थोड़ा सा इवनिंग में मिलेंगे आपको, तो आराम से जब कॉलेज खत्म हो जाएगा तो आप बैठ के पढ़ सकते हैं। सर टैन 2 थीटा यहाँ पे सेम लॉजिक यूज करेंगे, टैन थीटा में आएंगे दोस्तों, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा इट इज टैन थीटा बाय 2 टैन स्क्वायर थीटा, इज दैट क्लियर। तो दोस्तों ये वीडियो में इतना ही आज हमने आपको पढ़ाया भाई, सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। एंड बहुत टाइम लोग कहते हैं नया कंसेप्ट है, नई बातें है, रट्टा मारना है, वो विल डिक्टेट यू द फॉर्मूलास, आपको लिख के देना है। लेकिन हम सक्सेस में पढ़ते हैं वाई हैविंग डिफरेंट अप्रोच। जोशी सर हमेशा कहते हैं कोई चीज आसमान से नहीं गिरता है, वी शुड लर्न हाउ द फॉर्मूला इज बीइंग डन। श्योर, सो आई एम कीपिंग दिस फॉर्मूलास इन फ्रंट ऑफ यू एंड गिविंग यू अ विंडो ऑफ 5 सेकंड जहां पे आप इसका एक बढ़िया स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड आपके पास रख सकते हैं। तो दोस्तों बताइए मुझे कैसे लगा आपको ये सेशन आज का, थोड़ा सा छोटा सेशन लिया हमने बट आई थिंक इट वॉज एन इन्फॉर्मेटिव वन, जहाँ पे हमने पूरा का पूरा कंसेप्ट ऑफ सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स पढ़ने की बात की। एंड यूजिंग द सेम लाइन हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे दोस्तों, जहाँ पे हम लोग ये सब मल्टीपल ऑफ एंगल अभी जो कंसेप्ट में हमने देखा है इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना चाहेंगे। यस दोस्तों, वी आर इंटरेस्टेड टू मूव इनटू न्यूमेरिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस पार्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, दिस इज मी जोशी सर रिकॉर्डिंग फॉर सक्सेस इंजीनियरिंग क्लासेस। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, यू आर हैप्पी गेटिंग द कंसेप्ट तो न्यूमेरिकल्स के लिए प्लीज मुझे चैट में रिप्लाई कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज whether you have got understanding or not, या आपके कुछ doubt difficulties है तो comment कीजिए, I'm here always to solve them. Okay, thank you. मिलते हैं next video में session में दोस्तों, वहां तक जाने के लिए you need to subscribe the channel and याद से like the videos, share with your friends so that everyone will be benefited. पक्का? So just stopping the recording.